तो डीसीज हम देख चुके हैं अभी लास्ट लेक्चर में, और डिस्कस भी कर चुके हैं कि प्रोजेक्ट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन, डी सी ऑफ जेड एक्सेस 0 0 1, डी सी ऑफ वाई एक्सेस 0 1 0, एंड डी सी ऑफ एक्स एक्सेस 1 0 0। डी सीज ऑफ ओ पी कितने होंगे, डायरेक्शन को साइंस ऑफ ओ पी हम देख चुके हैं, एल एम एन, एल इज इक्वल टू कॉज एल्फा, एम इज इक्वल टू कॉज बीटा, एंड एन इज इक्वल टू कॉज गामा। प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन एक्स एक्सेस कितना होगा, एक्स प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन वाई एक्सेस कितना होगा, वाई प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन जेड एक्सेस कितना होगा, जेड, जब हमारा वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये तो प्रोजेक्शन, ये जो कंपोनेंट है दैट इज प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सेस, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सेस, प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सेस, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं डी आर। Now we will discuss direction ratios. So if L, M, N are DCs of vector R, ABCs are such that L upon A is equal to M upon B is equal to N upon C. तो हम कहेंगे जो A, B, C हैं, they are DRs. ठीक है, हमेशा DCs calculate करना बहुत इजी नहीं होता, इसलिए हम डी आर्स लेते हैं। डी आर्स क्या है, कोई नंबर्स ए बी सी ले रखा है यहाँ पे, ए बी सी आर नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डी सीज एल एम एन। तो एल अपॉन ए, एम अपॉन बी इज इक्वल टू एन अपॉन सी, ठीक है। तो डी आर्स जो है हमारे पास, डी आर्स डायरेक्शन नंबर्स और डायरेक्शन रेशियोज दोनों चीजें बोल सकते हैं, डी आर को डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन नंबर्स, डायरेक्शन नंबर मींस रेशियोज, दे आर प्रोपोर्शनल टू ए बी सी। तो वो प्रोपोर्शनल टू होंगे ए बी सी। तो लिखा हुआ यहां पे एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी इक्वल टू लेमडा। तो एल कितना हो जाएगा लेमडा ए, एम कितना हो जाएगा लेमडा बी, और एन कितना हो जाएगा लेमडा सी। तो अगर हम एल की वैल्यू निकालें, एल तो ये आ जाएगा प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट मीन्स ए अपॉन, अगर इसे बोलें समेशन ए स्क्वायर। सिमिलरली जो एम है, एम को हम लिखेंगे बी अपॉन समेशन ए स्क्वायर, समेशन ए स्क्वायर बोल रहा हूँ उसका मतलब समेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन समेशन अपॉन रूट ऑफ समेशन ए स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमने एक वेक्टर, हमें एक वेक्टर दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ लेटर से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो हम उसके डी आर्स भी निकाल सकते हैं और उसके डी सीज भी निकाल सकते हैं। कैसे, विल सी टू इट, अभी देख लेंगे। ये रेशियो याद रखना है आपको, हमें पता है कि ए बी सी क्या होते हैं, दे आर नंबर्स प्रोपोर्शनल टू दे आर डी आर्स, ए बी सी दे आर डायरेक्शन रेशियोज, और एल एम एन क्या है, दे आर डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस में और डायरेक्शन रेशियोज में ये रिलेशन है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना, इट इज इम्पॉर्टेंट। अभी क्वेश्चन करेंगे, ये लेक्चर्स अलग से इसीलिए लिए हैं, जो भी हम यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उस एग्जाम्पल्स आप में करेंगे। तो अगर हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो इसके डीसीज क्या होंगे, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसके डी आर्स क्या हैं, दे आर प्रोपोर्शनल टू ए बी एंड सी। सिमिलरली डी आर्स ऑफ अ लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू, तो वो जो होंगे प्रोपोर्शनल होंगे एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। और जो डीसीज होंगे, तो डीसीज के लिए क्या करेंगे, अगेन सेम थिंग, एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, जो भी हमारे पास कंपोनेंट्स हो जाएंगे आई का, जे का, के का, उनका स्क्वायर रूट। तो दीज आर डीसीज, ठीक है ना। अगर हम देखें यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये तो हमें पता है ना कि ये तो मैग्नीट्यूड है, आर का मैग्नीट्यूड है नीचे लिखा हुआ,
So A upon magnitude of R, this is B upon magnitude of R, C upon magnitude of R. ठीक है, दो पैरेलल वेक्टर्स, अगेन प्रॉपर्टी, टू पैरेलल वेक्टर्स हैं प्रोपोर्शनल डीआरस, दो जो वेक्टर्स होंगे उनके प्रोपोर्शनल, पैरेलल वेक्टर्स के प्रोपोर्शनल डीआर होंगे. तो दैट मींस अगर दोनों पैरेलल होंगे तो बी इक्वल टू लैम्डा सेटिस्फाई करेंगे. पैरेलल मतलब कोलिनियर, ठीक है ना, पैरेलल और कोलिनियर की हम बात कर रहे हैं. तो दे सेटिस्फाई बी इक्वल टू लैम्डा ए, तो इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए आई इंटू आई प्लस लैम्डा ए टू इंटू जे प्लस लैम्डा ए थ्री इंटू के. तो डी आर जो होंगे लैम्डा ए के, इस वेक्टर के, दे आर प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ए वन, लैम्डा ए टू, लैम्डा ए थ्री, और ए वन ए टू ए थ्री. ठीक, तो इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक इजी. अब वेक्टर आर हैज डी आर प्रोपोर्शनल टू ए बी सी, हम पहले ही बोल चुके हैं. तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा यूनिट वेक्टर, जो हमारे पास आर है, वेक्टर आर, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ये हम लिख सकते हैं ऐसे, इट कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो, क्योंकि हमें क्या पता है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ये क्या आ जाएगा, ये तो अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड ऑफ आर के बराबर आएगा. तो ये दोनों चीज़ें तो कैंसिल हो गई, और ए आई प्लस बी जे प्लस सी के क्या है, हमारे पास वेक्टर आर दिया हुआ है. तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. अभी तो आप बस ये समझें कि आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और ए बी सी जो हैं दे आर डायरेक्शन नंबर्स, एंड डी सी क्या होंगे वो हमने पहले देख चुके हैं. तो डी आर और डी सी में जो हमारा रिलेशन है वो आपको याद रखना है. दैट मीन्स एल एम एन और ए बी सी में जो रिलेशन है वो हमें याद रखना है. अच्छा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट टू रिमेंबर. इफ एल एम एन आर डी सीज ऑफ अ वेक्टर आर, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, देन इट्स प्रोजेक्शंस ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस आर L into magnitude of R, M into magnitude of R, into N into magnitude of R. तो ये इंपॉर्टेंट है. अगर L, M, N आपको डीसीज दे रखे हैं और आपसे पूछे प्रोजेक्शंस निकालो ऑन X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस, तो X एक्सिस पर प्रोजेक्शन आएगा L into magnitude, M into magnitude and R into magnitude. ये इंपॉर्टेंट है, करेक्ट. अब क्वेश्चंस पे आते हैं. ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं यहां पे. डीसीज ऑफ अ वेक्टर आर हमें फाइंड करना है. डीसीज ऑफ अ वेक्टर आर व्हिच इज इक्वली इंक्लाइंड विद ओएक्स, ओवाई, ओजेड. इसका मतलब एक वेक्टर आर है जो कि तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है. तो इसका मतलब एल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा है, दैट इज गिवन. तो उसका मीनिंग ये हुआ कि L इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन है. इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें मालूम है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन. तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू वन सिंस एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन. तो L आ गया प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री. तो डीसीज क्या हो जाएंगे इसके, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा. इसका मतलब प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री, प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री, प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री. माइनस का मतलब बताया था, डीसीज माइनस कैसे हो जाएंगे. दैट मींस हमारे पास जो वेक्टर दे रखा है विच इज इक्वली इंक्लाइंड, दैट मींस वो वेक्टर ओपी भी हुआ, वो वेक्टर पीओ भी हुआ, ठीक है ना. अच्छा, तो वेक्टर को लिखेंगे कैसे, आर इज इक्वल टू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के इंटू मॉड्यूलस ऑफ आर. ये ध्यान रखना है आपको, ये जो वेक्टर आर है अगर मुझे चाहिए इसका मैग्नीट्यूड भी, तो हमने क्या किया, जो वेक्टर आया हमारे पास एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके मैग्नीट्यूड से.
तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री आई प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री जे प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री के। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि अगर हमें कोई वेक्टर एल एम एन के टर्म्स में लिखा हुआ है तो दैट इज इक्वल टू दिस वेक्टर। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। एल एम एन आपको पता है क्या है, दे आर डी सीज ऑफ दिस वेक्टर। ओके, तो ये वेक्टर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सच वेक्टर्स। तो दो वेक्टर तो हमारे पास आए, दो केसेस तो यहाँ से आएंगे, दो केसेस यहाँ से आएंगे, दो केसेस यहाँ से आएंगे, तो टोटल कितने हो गए, टू इंटू टू इंटू टू, तो दैट इज इक्वल टू एट वेज। तो यहाँ पे तो हमने अपना परम्यूटेशन लगा दिया, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार ठीक से इसको देख के जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वेक्टर आर है, इट इज इंक्लाइंड एट एन इंक्लाइंड एट इक्वल एंगल्स टू ओ एक्स ओ वाई ओ जेड इफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू सी फाइंड सिक्स फाइंड आर। तो हमें मालूम है कि जो हमारा वेक्टर होगा, वेक्टर तो इस फॉर्म का होगा ना, आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। और यहाँ पे हमें मालूम है कि L इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन, जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया। तो L की वैल्यू आ गई प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री, यही M की वैल्यू आएगी, यही N की वैल्यू आएगी। तो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है सिक्स, तो सिक्स इंटू प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री आई प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री जे प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री के। तो सॉल्व कर लिया तो ये आ गया टू रूट थ्री प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लिया इसमें। अब वेक्टर आर हैज लेंथ 21, तो हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 21 और डी आर दे रखे हैं 2 माइनस 3 एंड 6, दैट मीन्स ए बी सी की वैल्यू दे रखी है 2 माइनस 3 एंड 6। फाइंड डी सीज एंड कंपोनेंट्स ऑफ आर, इसके डायरेक्शन को साइंस निकाल लें एंड कंपोनेंट ऑफ आर गिविन दैट आर मेक्स एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस। तो अगर ये एक्यूट एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉज है वो ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है। तो कॉज अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मीनिंग ये हुआ, अगर अल्फा एंगल बन रहा है तो, अगर कॉज अल्फा ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब एल की जो वैल्यू होगी दैट इज ग्रेटर देन जीरो। एनीवे स्टार्ट करते हैं। तो ए बी सी में दे रखें टू माइनस थ्री एंड सिक्स। अगर हम डी सी निकालें तो डी सी क्या होता है, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ए स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन बी स्क्वायर एंड सी अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन सी स्क्वायर। तो टू अपॉन समेशन के, सॉरी सब में नीचे समेशन आएगा, राइट। तो सॉरी फॉर द कंसर्न हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ध्यान है, नीचे तो समेशन ए स्क्वायर ही आएगा सब में, और समेशन ए स्क्वायर क्या हुआ, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो टू अपॉन अंडर रूट टू स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस सिक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली प्लस माइनस माइनस थ्री अपॉन अंडर रूट टू स्क्वायर माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स अपॉन अंडर रूट टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस सिक्स का होल स्क्वायर। तो नीचे आ गया अंडर रूट 49 और अंडर रूट 49 होता है 7। तो डी सीज क्या हो गए, 2 अपॉन 7 माइनस 3 अपॉन 7 और 6 अपॉन 7। ये डी सी हमने 2 अपॉन 7 क्यों लिया, क्योंकि हमें मालूम है कि जो हमारा एंगल है दैट इज मेकिंग अ दैट इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो डी सीज आ गए 2 अपॉन 7 माइनस 3 अपॉन 7 6 अपॉन 7 और मैग्नीट्यूड हमें मालूम है 21 है। तो हमने पहले ही फॉर्मूला लिखा था एक आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। तो आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर दैट इज 21 इंटू एल आई प्लस एम जे माइनस 3 अपॉन 7 जे प्लस एन के 6 अपॉन 7 के। तो दिस इज द आंसर। तो होपफुली डीसीज में अब आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं।
find angle at which the vector 2i minus j plus 2k is inclined to each of the coordinate axes. ठीक है, तो हमें एंगल निकालना है, थीटा निकालना है. तो हमें r दे रखा है, r इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 2k. तो उसके drs क्या हुआ है, abc की वैल्यू क्या हुआ है, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है माइनस 1 और c की वैल्यू है 2. इसके dc's क्या हो जाएंगे, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. तो डीसीज ये लिखे हुए हमने यहाँ पे 2 अपॉन जो भी मैं बोल रहा था चीजें दैट वी हैव रिटन ओवर हियर. समेशन ए स्क्वायर का मतलब यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ सबसे पहले. ठीक है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, दे आर सेम थिंग. ये नीचे जो लिखा हुआ है इट इज सेम. तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, ये जो अंडर रूट आया, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है दैट इज 9, तो ये हो गया 3. तो डीसीज क्या होगा, 2 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 एंड 2 अपॉन 3. अब डीसीज आ गए, दैट मीन्स डीसीज क्या होते हैं, कॉज ऑफ एंगल्स. तो कॉज अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, कॉज बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3, कॉज गामा इज इक्वल टू 2 अपॉन 3. तो यहां से अल्फा क्या हो जाएगा, कॉज इनवर्स 2 अपॉन 3, बीटा क्या हो जाएगा, कॉज इनवर्स माइनस 1 अपॉन 3 एंड गामा क्या हो जाएगा, कॉज इनवर्स 2 अपॉन 3. अब जो एंगल्स हैं तो 0 और पाई के बीच में आना चाहिए. तो अल्फा तो कॉज इनवर्स 2 अपॉन 3 ठीक है, बीटा को हमने चेंज कर लिया, जो एंगल आए थे हमने पाई माइनस कॉज इनवर्स 1 अपॉन 3 और गामा तो सही है, गामा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 2 अपॉन 3. तो ये आंसर आ गया हमारे पास. ठीक है, ये एंगल्स हमारे पास निकल गए. ओके, अब प्रोजेक्शन देख लेते हैं. प्रोजेक्शन हम पढ़ चुके हैं, प्रोजेक्शन क्या क्या होंगे, तो प्रोजेक्शन का एक एग्जांपल दे लेते हैं अभी. तो गिवन ये है कि प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 6 माइनस 3 एंड 2, फाइंड लेंथ एंड डीसीज. तो हमें पता है प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, एल इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर, एम इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू एन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर. प्रोजेक्शंस ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तो गिवन क्या है हमें, हमें प्रोजेक्शंस दे रखे हैं. तो एल इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू 6, एम इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस 3 एंड एन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू 2. एंड वी नो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, करेक्ट. तो हमने प्रोजेक्शंस जो हैं उनको ऐड किया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया हमारे पास